जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये जो वीडियो है आज का, हिंदी का जो मॉडल पेपर है जो आपका 24, इसमें बिल्कुल उसी तरीके का सेट बनाया है जैसे कि एग्जाम में आता है। तो यहाँ से आपके गद्य होंगे, पद्य होंगे और बाकी के क्वेश्चन होंगे जिस तरीके के आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख रहे होंगे ये सभी एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट में अपना स्कोर कार्ड बताना है कमेंट बॉक्स में आपका कितना आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन यहाँ से जो फर्स्ट है, देखिए हिंदी भाषा का, यहाँ से देखो इस तरीके के आपको लिखे मिलेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही या सबसे उच्च उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, या उचित भी लिख के आ सकता है। तो देखिए यहाँ से पूछ रहे हैं अवर शब्द का विलोम होगा, ये बहुत ही अच्छा शब्द है अवर। दूसरा अपर, प्रवर, अधम। तो यहां से जो आपका आंसर हो जाएगा, जो इसका जो विलोम शब्द उल्टा होगा प्रवर। तो अवर का क्या होगा, उल्टा प्रवर होगा। तो याद रखना अवर कह सकते हैं कमजोर टाइप का, तो यहां से ये प्रवर मतलब थोड़ा मजबूत है। तो आंसर यहां से आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 32। बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो यहां से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक गलत शब्द है। तो यहां से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी। तो यहां से अगर मैं बात करूं, ये देखो यह आंसर क्या हो जाएगा, तदोपरांत। तो यहां से क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि गलत है। तो याद रखना आंसर हो जाएगा यहां से बी। क्वेश्चन नंबर है 33। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा योग में गलत है। तो यहां से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, यानी कि एक तो उसकी जाति बताना है, फिर व्यक्ति बताना है। तो इसमें से कौन सा, देखिए कुत्ता, पिल्ला, नगर, जयपुर, पर्वत, हिमालय, स्त्री, चित्रा। तो यहां से योग में कौन सा गलत हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां से जो आंसर हो जाएगा आपका कुत्ता, पिल्ला। तो यहां से ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के जो पिता और बेटा कह सकते हैं, इसलिए आपका आंसर यहां से ये सभी से अलग होता है। तो यहां से याद रखना है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, स्त्री की एक कोई मान ली ये लड़की है, तो ये व्यक्तिवाचक चित्रा। नगर का क्या हो जाएगा, नगर क्या हो जाएगा, एक पूरा है उसके, यानी कि विशेषता क्या है, जयपुर। और पर्वत, पर्वत के अंदर क्या हो जाएगा, हिमालय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 34। निम्न में से कौन सा अमृत का पर्याय है। तो यहां से नवनीत, हेम, हमी, अमी, रसाल। तो यहां से 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सुंदर आंसर, अमी, यानी कि हम लोग तुरंत इसका आंसर दे सकते थे, ये सरल था। क्वेश्चन नंबर है 33। जीतने की इच्छा के लिए शब्द है, बताइए एक शब्द में आपको बताना है। जिजीविषा, जिज्ञासा या जिज्ञासता या जिज्ञासा। तो याद रखना यहाँ से 35 का जो आंसर हो जाएगा, जिजीविषा बोलते हैं जीतने की इच्छा को रखने वाले को, क्या बोलते हैं यहाँ से, जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है, अनिर्णित, आशीर्वाद या सष्टम या फिर आपका सहसा। तो आपको सही वर्तनी वाला बताना था, यहां से क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनिर्णित। तो यहां से आंसर, तो यहां से सही वर्तनी वाला आपको बताना है। तो यहां से अनिर्णित गलत हो जाएगा, थोड़ा मैं कर रहा था, यहां से आंसर जो हो जाएगा सष्टम। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, सभी का सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां से देखो मैंने थोड़ा चेक किया था, तो चलिए आगे यहां से अब देखो क्या, पदांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो यहां से आपको उचित विकल्प चुनना है। तो देखिए आपका ये पदांश है, आग लग रही है, घात चल रहे हैं, विधि का लेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा, मुझे मृत्यु को भीती नहीं पर अनीति से प्रीति नहीं, यह मनोजोचित रीति नहीं, जन्मे प्रीति प्रीति नहीं,
देश जातियों का कब होगा नव मानवता में एक रे एका काले बादल काल की सोने की रेखा। तो यहां से जो तुम्हारा क्वेश्चन है, जन्मे प्रीति प्रीति नहीं, पंक्ति में डैश डैश अलंकार है, अनुप्रास रूपक यमक उपमा। तो यहां से जो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, बार बार आवृत्ति होने पर, तो यहां से आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यह मनो जो चित रीति नहीं, पंक्ति में का विकास है, प्रेम में विश्वास न होना मनुष्य के लिए उचित नहीं, यह रीति मनुष्य के लिए उचित है, मनुष्य को वही करना चाहिए जो उसके मन में उचित हो, रीतियों में विश्वास मन को जांचता है। तो देखिए यहां से देखो, ये पूरा जो पैराग्राफ था ये बहुत ही सिंपल था, मनुष्य के ऊपर कहा गया था। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम में विश्वास ना होना मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा, उचित नहीं है। तो आंसर यहां से हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 39, मानवता से जातिवाचक संज्ञा बनेगी मानवीय, या फिर मानव, या मानवीकरण, या मनुष्य। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा, यहां से मानवता से जातिवाचक जो बनेगी वो मानव हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो यहां से अगला क्वेश्चन है, काले बादल प्रतीक है, बताइए, विपत्तियों के, वर्षा के, काले रंग के, बादलों के। तो यहां से 40 का आंसर क्या हो जाएगा, विपत्तियों का, जो आपका पैराग्राफ कह रहा था। आगे है, सोने की रेखा प्रतीक है, बताइए, उज्जवल भविष्य, सोने की जंजीर, आजादी का सुनहरी रेखा। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा उज्जवल भविष्य। चारों ओर आहाकार मचा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, यह भाग्य का लिखा है, यह भाव किस पंक्ति में निहित है। यह ये ऑप्शन है, यह मनो जो चित रीति नहीं, काले बादल में काल की सोने की रेखा, आग लग रही है, घात चल रहे हैं, विधि का लेखा, जन्मे प्रीति प्रीति नहीं। तो यहां से 42 का आपको आंसर क्या हो जाएगा, आग लग रही है, घात चल रहे हैं, विधि का लेखा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है, बताइए, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा। तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया, ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए, कारज, काज, या काम, या सेवा। तो 44 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहां से सी, आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां से विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा, वैचारिक, विचारिक, या वैचारिक, या वैचारिक। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सभी का आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट। चलिए तो यहां से आपका एक गद्यांश आ गया है, गद्यांश को कहना है कि उचित पढ़िए, उचित आंसर दें। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया, इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं। तो ये यहां से फ्रेंड्स, तो देखिए ये पैराग्राफ हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी। तो वीडियो सभी को अच्छा लगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्त फ्रेंड को। और देखिए आपके लिए हर रोज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी से संस्कृत का बहुत ज़्यादा मांग है, हो सकता है कि आज संस्कृत का एक अपलोड कर दूँ, और कल आपका गणित पेडागोजी का। देखिए ये सारी आपकी टेस्ट के लिए अच्छे से अगर वीडियो आप करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो गए, क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखो उसी तरीके के हम पैराग्राफ लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए।
थैंक यू फ्रेंड्स।